हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हाउस यू ऑल बेटा? आई होप यू आर ऑल हेल्दी एंड सेफ एट योर होम। वेलकम अगेन टू योर ऑनलाइन क्लास। एज यू ऑल नो, इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव बीन कंप्लीटेड आवर चैप्टर 14। चैप्टर 14 इज द अर्थ रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन वी हैव कंप्लीटेड। So today we are going to exercise of chapter 14 beta. So for the exercises you open your book page number B54 and chapter is the earth. So first exercise is tick the correct answer. In the tick the correct answer, first question is a MCQ. We can call it MCQ also, means multiple choice questions. फर्स्ट इज द शेप ऑफ द अर्थ इज सिमिलर टू ए। अर्थ की शेप होती है किसके सिमिलर होती है? पेपर, पेंसिल, फुटबॉल एंड बॉक्स। सो अर्थ इज लुक लाइक अ बॉल, ना राउंड होता है ना, अर्थ शेप इज राउंड, सो इट्स लुक लाइक अ फुटबॉल। सो विच ऑप्शन इज राइट? सी ऑप्शन इज राइट, फुटबॉल। सो यू ऑल टेक ऑन द सी ऑप्शन। आफ्टर दैट सेकेंड इज इन द बिगनिंग द अर्थ वॉज वेरी स्टार्टिंग में, बिगनिंग मीन्स स्टार्टिंग मतलब शुरुआत में अर्थ कैसा था? अर्थ वॉज वेरी कोल्ड, हॉट, वेट एंड एरी। अर्थ वॉज वेरी हॉट, पहले स्टार्टिंग में अर्थ बहुत गर्म था, वहां पर लाइफ पॉसिबल नहीं थी। धीरे धीरे क्या हुआ, अर्थ क्या हुआ, कोल्ड हुआ, धीरे धीरे उसकी हॉटनेस कम हुई और हमारी लाइफ पॉसिबल हुई। ओके, आफ्टर दैट थर्ड इज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू, अर्थ कौन से साइड से, वेस्ट साइड से कौन सी साइड की ओर रोटेट करता बेटा? नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट एंड साउथ। सो सी ऑप्शन इज राइट, वेस्ट टू ईस्ट। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, नाउ B55। 365 डेज मेक वन वीक, डे, मंथ। 365 दिन क्या बनाते हैं एक, 365 दिन में क्या बनता है एक, अ वन ईयर। सो डी ऑप्शन इज राइट, ईयर। सो यू टेक ऑन द डी ऑप्शन। आफ्टर दैट नंबर फिफ्थ, फिफ्थ इज रोटेशन ऑफ द अर्थ कोर्सेस ड्यू टू द रोटेशन। दीज आर द, यू ऑलरेडी नो अर्थ सो टू टाइप्स मूवमेंट, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। ड्यू टू द रोटेशन कॉजेस डेज एंड नाइट। ओके, सो देर आर फोर ऑप्शन आर गिवन, सीजन, समर, डेज एंड नाइट एंड डेज एंड सीजन। सो विच ऑप्शन इज राइट? सी ऑप्शन इज राइट, डेज एंड नाइट्स। ओके, आफ्टर दैट यू ऑलरेडी फील्ड इट ऑल्सो ना। आफ्टर दैट नेक्स्ट एक्सरसाइज इज बी, फिल इन द ब्लैंक्स इन योर बुक। Fill in the blanks. So in your book, her books is given light, third, 24 hours and seasons and round. These are the four words are given in the help books. So you can choose the word, correct word from the help books and you can fill your fill-ups from the help books. Okay. So first is the earth is the blank planet of our solar system. The earth is the blank planet of our solar system. Earth jo hoti solar system ka kaun sa planet hai beta? It's lie on the, on which position it's lie? It's lie on the third position. The earth is the earth is the blank planet of our solar system. So answer is third, T-H-I-R-D. So in the blank what we will write? Third. After that second is the earth is, earth kaisa hota beta? The earth is, so from the help box which word is right? The earth is round. So in the blank what we will write? Round. Earth kaisa hota? Round hota means gol hota hai.
So in the blank we write round. After that, third, fill the blanks is revolution of the earth causes. Revolution जो होता है means revolution क्या होता है, जो हमारा suns होता है, solar system में sun center में होता है और sun के चारों ओर सारे planets move करते हैं. जैसे कि this is the sun और sun के चारों ओर सारे planets इस तरह से move करते हैं. अब हमारा earth third number पे lie करता है, 1, 2, 3, it's the earth. ओके, सो रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेस. सो रिवोल्यूशन मीन्स अर्थ जो होता है सन के चारों जो घूमता है उसके कारण क्या, उसके कारण क्या बनता है बेटा, सीजन्स. सो द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेस So the answer is seasons. In the blank, what will write? Seasons. Okay. After that, fourth fill in the blanks is the earth takes. The earth takes blank to complete one rotation. To complete. वन रोटेशन, एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता है अर्थ, 24 आवर्स मीन्स 24 घंटे, 24 आवर्स. आफ्टर दैट फिफ्थ फिल इन द ब्लैंक्स इज द अर्थ रिसीव्स, द अर्थ रिसीव्स ब्लैंक From the sun. Sun से क्या receive करता है अर्थ बेटा, From the sun. क्या मिलता है हमें sun से, Light and heat. So in your help books light is given. So we write here light. अगर help books में तो heat भी लिख सकते थे ना, heat भी देता है हमें sun, heat and light. So the earth receives light from the sun. Why we write here light, because in the help books light is given. इसलिए हमने चूज करके लाइट लिखा है. अगर हेलबुक्स नहीं दिया होता तो हम हीट भी लिख सकते हैं, हीट एंड लाइट. ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट एक्सरसाइज सी एक्सरसाइज नेम द फॉलोइंग. सी एक्सरसाइज नेम द फॉलोइंग. फर्स्ट इज द मूवमेंट कॉजिंग डेज एंड नाइट्स. ओके, यू कैन सी द क्वेश्चन फ्रॉम इन योर बुक बेटा. ओके, ओनली आई विल राइट हेयर आंसर, सो यू राइट आंसर इन योर बुक. द मूवमेंट कॉजिंग डेज एंड नाइट, कौन से मूवमेंट के कारण डेज और नाइट होते बेटा, रोटेशन ऑफ द अर्थ. सो आंसर इज, फर्स्ट आंसर इज रोटेशन ऑफ द अर्थ. अर्थ के रोटेशन के कारण क्या बनते हैं, डे एंड नाइट. ओके, सो आंसर इज रोटेशन ऑफ द अर्थ. नेक्स्ट टू सॉरी द थिंग्स विच मेक लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ. द थिंग्स विच मेक लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ, कौन कौन सी चीजें होती है जो लाइफ पॉसिबल बनाती है अर्थ पर. एयर एंड वॉटर, यू ऑल नो We can't be able to live on the moon. हम क्यों नहीं रह सकते मून पे, क्योंकि वहां पर हवा और पानी नहीं है. ओके, और हम अर्थ पर रह सकते हैं क्योंकि अर्थ पर क्या है, एयर एंड वॉटर, बोथ थिंग्स आर प्रेजेंट. सो थिंग्स विच मेक लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ, एयर एंड वॉटर. सो आंसर लिखेंगे हम द प्रेजेंस ऑफ, वी कैन राइट एयर एंड वॉटर, एयर एंड वॉटर. After that, number third is two types of movement of the earth. Two types of movement. Earth का movement जो होता है, earth move करती है, two types of movement करती है. So दोनों movement की हमें name बताने, types of movement, rotation and revolution. Rotation and second one is revolution. Okay? These both types. मूवमेंट अर्थ. सो
नेम द फॉलोइंग टर्न, यू विल राइट दीज आंसर्स इन योर बुक बेटा. आफ्टर दैट कम ऑन द नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स. डी एक्सरसाइज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. Answer the following question. Question answer. First question is, what is rotation? What is rotation? Rotation क्या होता है? क्या होता है बेटा? स्पिनिंग मोमेंट मतलब अपने एक ही जगह पर फिक्स पॉइंट पे अपने धीरे धीरे स्पिनिंग करना. ओके इस तरह से जैसे कि आप आइए जैसे कि ये अर्थ है इट्स द अर्थ और ये इसका क्या हो गया इसमें ये क्या हो गया एक्सिस हो गया इसका एक्सिस पर ये क्या करती है मूव करती है. स्पिनिंग मोमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन. सो आंसर इज द स्पिनिंग जैसे हमने बताया था ना स्पिनिंग टॉप जो होता है उसको भी बताया था मैंने द स्पिनिंग मोमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन. ये क्या कहलाती है रोटेशन कहलाती है. आफ्टर दैट अंडरस्टूड रोटेशन. जो स्पिनिंग टॉप बताया था मैंने स्पिनिंग टॉप क्या होता है जिसे आप लट्टू बोलते हो जो हम चलाते हैं वो स्पिनिंग करता है घूमता रहता है एक ही जगह पे वो राउंड घूमता रहता है. तो वो क्या हो गया इसकी एक्सिस हो गई जहां पे वो एक ही पॉइंट है और वहां पे वो राउंड राउंड घूम रहा है स्पिनिंग हो गया उसका मतलब घूमना. ओके आफ्टर दैट सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज रिवॉल्यूशन. अब रिवॉल्यूशन क्या होता है बेटा जैसे अभी हमने बताया था कि सन के चारों ओर कौन घूमता है अर्थ सारे प्लैनेट्स ऑल प्लैनेट्स गो अराउंड द सन. सो व्हाट इज रिवॉल्यूशन द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. अर्थ का मूवमेंट किसके चारों ओर अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट. ऑर्बिट होता है एक फिक्स रास्ता ऑर्बिट पथ ना जिसे हम रास्ता बोलते हैं इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन. द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन सन के चारों ओर जैसे इट्स द सन सन के चारों ओर जो ये जैसे हमने सपोज किया ये अर्थ है ये सन के चारों ओर घूमती है बट इसका रास्ता जो होता है ये वाला वे जो है ये क्या हो गया इसका ऑर्बिट. ये ऑर्बिट इसका फिक्स होता है मतलब इसी रास्ते से ये क्या जाएगी सन के चारों जाएगी और वापस आ जाएगी तो वन रिवॉल्यूशन पूरा करेगी. इस तरह से द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट मतलब अर्थ का अपनी ही ऑर्बिट में सन के चारों ओर घूमना क्या कहलाता है रिवॉल्यूशन कहलाता है परिक्रमा लगाना ना. ओके आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर थर्ड फर्स्ट एंड टू डन. आफ्टर दैट थर्ड क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग डज क्वेश्चन नंबर थर्ड इज हाउ लॉन्ग डज द अर्थ टेक टू कम्प्लीट वन रिवॉल्यूशन. कितना वन रिवॉल्यूशन कम्प्लीट करने में कितना टाइम लेती है अर्थ. द अर्थ टेक्स कितना टाइम लेती है द अर्थ टेक्स 365 डेज वन रिवॉल्यूशन 365 डेज टू कंप्लीट
टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन. कितना टाइम लेते हैं वन रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में? वो कितना टाइम लेते हैं? 365 डेज, मीन्स वन ईयर. इट्स टेक वन ईयर टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन. आफ्टर दैट फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट कॉजेस सीजन ऑन द अर्थ. सीजन जो बनते अर्थ पर किसके कारण बनते बेटा? सो यू कैन सी योर क्वेश्चन इन योर बुक. आई विल राइट हियर आंसर ओनली. ओके, सो क्वेश्चन इज व्हाट कॉजेस सीजन्स ऑन द अर्थ. जो सीजन्स बनते हैं हमारे उनका क्या कारण होता है, किसके कारण बनते हैं अर्थ पर सीजन? द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ. सो आंसर इज अर्थ के रिवोल्यूशन के कारण. द रिवोल्यूशन मीन्स अर्थ जो सन के चारों ओर घूम चक्कर लगाता है उसे बोलते हैं रिवोल्यूशन. द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ causes seasons. causes seasons. रिवोल्यूशन जो होता है अर्थ का उस किसका कारण बनता है? वो सीजन का. उसके कारण क्या बनते हैं? सीजन्स. आफ्टर दैट लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. व्हाई डज द अर्थ अपीयर फ्लैट टू अस? व्हाई मीन्स क्यू. द अर्थ मीन्स पृथ्वी. अपीयर मीन्स दिखाई देना. फ्लैट मीन्स समतल. टू अस मीन्स हमें. हमें अर्थ फ्लैट क्यों दिखाई देती है? सो योर आंसर इज बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज वी सी ओनली अ टाइनी पार्ट ऑफ इट. ओनली अ टाइनी पार्ट. टाइनी मीन्स स्मॉल. स्मॉल पार्ट ऑफ इट. इट मीन्स अर्थ. क्योंकि हम क्या करते हैं, हम सी ओनली देखते हैं, केवल एक छोटा सा पार्ट देखते हैं ऑफ इट. इसका मीन्स अर्थ का. वी कैन राइट हियर अर्थ ऑल्सो. ओके, इट की जगह पे अर्थ भी लिख सकते हैं. सो हमें अर्थ फ्लैट क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि हम इसका केवल एक छोटा सा ओनली केवल एक छोटा सा पार्ट देखते हैं. इसीलिए अर्थ हमें फ्लैट दिखाई देती है. हमें लगता है कि अर्थ फ्लैट है, बट अर्थ फ्लैट नहीं होती है. इट्स कैसी होती है? इट्स राउंड. यस, इट इज राउंड. ओके, सो बेटा योर एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड. ओके, सो यू वॉच द वीडियो वेरी केयरफुली एंड आफ्टर दैट यू विल कम इन योर डाउट क्लास. आई विल क्लियर योर डाउट. इफ यू हैव एनी डाउट सो यू कैन आस्क मी इन योर डाउट क्लास. ओके, थैंक यू.